तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट है। केंद्र दे प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है। जी हाँ, 2023 बैच का फर्स्ट एग्जाम अब आने वाला है, तो अब आप लोग पेपर की तैयारी पूरी कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में 100% सब्जेक्ट में पास होते हैं तो आने वाले टाइम में फिर आपकी कभी बैक लगेगी नहीं, ठीक है ना। और जिन बच्चों की फर्स्ट सेमेस्टर में ही बैक लग जाती है ना, तो ये सिलसिला फिर चलता रहता है 2 साल तक, ठीक है। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। एक और बड़ी खबर देखिए, पुलिस भर्ती पेपर लीक का सरगना गिरफ्तार हो गया है। एसटीएफ ने नोएडा से दबोचा, 3 साथियों के साथ मिलकर रचित, ठीक है, रची थी साजिश। पूरी अपडेट अभी हम देखेंगे। इंजीनियर है पुलिस भर्ती पेपर लीक गैंग का सरगना, ठीक है, 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद हुआ था खुलासा, ठीक है। पूरी अपडेट को देखेंगे। मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं और अडानी 17वें स्थान पर, ठीक है, इसको भी देखेंगे। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट मिलकर आ रही है 4 अप्रैल तक। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप लोग 5 अप्रैल तक, ठीक है ना, 5 अप्रैल तक सीटेट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपका नहीं हो पाया, फीस पेमेंट या कुछ भी छूटा हुआ है, तो इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद जो करेक्शन की डेट आएगी वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, देखिए कुछ बच्चों का रिजल्ट अभी कुछ ऐसा हो रहा होगा। देखिए जहां पर होता क्या है ना, सारे सेमेस्टर का रिजल्ट एक साथ नहीं आता, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल नंबर को सबको जोड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी जोड़ने पर आए, टोटल देखिए आपका 3200 नंबर का पेपर होगा चारों सेमेस्टर में, और 3200 में जितने आ रहे वो आपको सीटेट फॉर्म भरते समय डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा 2021 बैच का जो रिजल्ट था, यहाँ पर आपका जो फाइनल रिजल्ट डाउनलोड होता है ऑनलाइन, यहाँ पर ही दोस्तों सब कुछ आपका, जैसे संपूर्ण परीक्षा फल लिख कर आता है पास या फेल, महायोग यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया जाता है। जैसे 1048 नंबर आपके लिखित परीक्षा से भरे हैं, 1682 नंबर ये बने हैं आपके आंतरिक इंटरनल नंबर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखा दी जाती हैं, तो इसको जरा देख लीजिएगा। बाकी परीक्षा डेट शीट की हम बात कर ले तो क्या कब से पेपर हो सकता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पेपर होगा 2024 में इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे कैसे आपका पेपर होगा। पहले दिन आपका दोस्तों 2 विषय का पेपर होगा, बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये एक दिन में आपका 2 पेपर होगा। पहला पेपर सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा, दूसरा पेपर 1:30 बजे से लेकर 3:30 तक। मतलब एक पेपर में दोस्तों आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन ये पहले दिन के 2 पेपर। जब आप लोग सेकंड डे पेपर देने जाएंगे, जहां पर आपको विज्ञान का, गणित का और सामाजिक अध्ययन का पेपर देना है, तो विज्ञान का पेपर आपका 1 घंटे का होगा 10 बजे से 11 बजे तक, गणित का पेपर आपका 11:30 से 12:30 बजे तक, सामाजिक अध्ययन का पेपर 2 बजे से 4 बजे तक। अब देखिए होता है क्या, जैसे आपने 10 से 11 पहला पेपर दे दिया, तो बहुत से स्कूलों में ऐसा होगा कि आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन लेके या आपके जो नोट्स हैं या सीरीज है उसको लेकर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत से सेंटर में आपको भैया कुछ नहीं लेने दिया जाएगा, आप जहां बैठे थे वहीं बैठे रहेंगे, आधे घंटे बाद आपका दूसरा पेपर शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको जरा देखिएगा आपके कॉलेज में क्या व्यवस्था है, बताइएगा। सामाजिक अध्ययन, ये पेपर आपका 2 से 4 बजे तक होगा, ठीक है, इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो उसके बाद हिंदी का, संस्कृत या कंप्यूटर, ये तीसरे दिन आपका 3 पेपर होगा, ठीक है ना। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन सारा पेपर खत्म। हिंदी का पेपर 1 घंटे का, संस्कृत का पेपर भी 1 घंटे का, और कंप्यूटर का पेपर 2 से 3, ये भी आपका 1 घंटे का ही पेपर होगा, ठीक है। तो टोटल आपके 3 विषय ऐसे हैं जिनका पेपर 2 घंटे का होता है, जैसे एक बाल विकास ये पहला हो गया, दूसरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, और तीसरा सामाजिक अध्ययन। बाकी और ये 3 विषय 50-50 नंबर के होंगे, ठीक है। बाकी जितने भी विषय दिख रहे हैं, विज्ञान, गणित और उसके बाद हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, ये विषय 25-25 नंबर के होंगे और 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर हमको क्या लेकर जाना। देखिए जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, याद रखिएगा, वो दोस्तों आपको कॉलेज के माध्यम से ही प्राप्त होगा। देखिए आप लोग खुद से ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए।
जो आपका एडमिट कार्ड आता है कॉलेज के माध्यम से, देखिए जो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, ये भी दोस्तों आप कॉलेज के माध्यम से ही भरा सकते हैं। देखिए जैसे कुछ बच्चों की फीस जमा नहीं होती, नहीं जमा होगी तो कॉलेज वालों के पास एक मौका मिल जाता है आपसे फीस लेने का, ठीक है। तो पहले आपको डराया जाएगा कि हम आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरेंगे, चलिए मान लेते हैं आपने पैसा नहीं दिया, ये भर गया, तो बाद में आपका एडमिट कार्ड की बात आ जाती है, ठीक है ना। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, ये दो चीज़ें कॉलेज वाले, ठीक है, आपके सामने रखेंगे। तृतीय सेमेस्टर का पेपर देखिए जरा, ये भी दोस्तों आपका 3 दिन में कंप्लीट होगा। हम देखिए मैक्सिमम चांस होता है कि डीएलएड का जो हमारा एग्जाम है वो मंडे से शुरू हो और सैटरडे को ख़त्म हो जाए, ठीक है। एक और सवाल आपके मन में होगा कि सर क्या सेकेंड और फोर्थ का पेपर अब की होगा। देखिए अगर अभी तक आपने डीएलएड का रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है जहाँ से आप अपना डीएलएड का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके कितने परसेंटेज बन रहे हैं। जरा इस अपडेट को देखिए पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, देखिए प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट के समक्ष विचार का मुख्य मुद्दा यह है कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को दिया गया फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा या बाद में, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार और अन्य कई पक्षकारों ने अर्जी दाखिल कर यह भी मुद्दा उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों का क्या होगा, मतलब दोस्तों जो पहले से टीचर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद देश भर में बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है और उनकी नौकरी जाने की नौबत है। बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों के कुल खाली पदों और ब्रिज कोर्स के आंकड़े कोर्ट में पेश करें। इस बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को भी नियमित किए जाने की मांग रखी है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा अगस्त 2023 के फैसले को पूर्व प्रभाव से लागू माने या बाद से बीएड को प्राथमिक या प्राइमरी शिक्षक पद के लिए अयोग्य मानने में संशोधन के लिए सोमवार को सुनवाई। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जो भी इसको लेकर अपडेट आती है वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तो बीएड छात्रों को जब प्राथमिक से बाहर किया गया तभी से डीएलएड छात्रों की बल्ले बल्ले होगी। देखिए आप लोग याद रखिएगा, आप लोग का कंपटीशन जितना कम रहेगा उतने ही ज्यादा चांसेस आपकी नौकरी के रहेंगे, ठीक है ना। पहले दोस्तों आपको बता दें जब बीटीसी 2015 बैच, ठीक है ना, तो जो हमारी 68,500 भर्ती हुई थी, आप लोग अभी बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे, इसमें बीएड छात्रों को मौका नहीं मिला था। लेकिन जब उसके बाद एक वैकेंसी आती है 69,000, इसमें बीएड छात्रों को मौका मिल गया था, ठीक है ना। तो इसमें सारी सीटें फुल हो गई 69,000 में, 68,500 में लगभग 22,000 पद खाली रह गए थे क्योंकि सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिला था। तो एक बात ये हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि एक समय डीएलएड या बीटीसी का कोर्स नौकरी की गारंटी हुआ करता था, जो लगता है कि इस बार जब वैकेंसी आएगी तो उसका, ठीक है, जीता जागता सारी चीज़ें आप देखेंगे इस बार कि भैया क्यों गारंटी माना जाता है। कम से कम नंबर पर आप लोगों को जब नौकरी मिलेगी तब आपको यकीन होगा, ठीक है। तो लेकिन वैकेंसी काफ़ी साल से आई नहीं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे डीएलएड का 2017 बैच, डीएलएड का 2018 बैच, 2019 बैच, ठीक है, 2021 बैच, 2022 बैच, 2023 बैच चल रहा, इतने टाइम से 200 डीएलएड के बच्चों ने नौकरी नहीं देखी है। इन किसी भी बैच के छात्रों ने नई भर्ती यूपी में फिलहाल नहीं देखी है। हाँ, बीटीसी का जो 2015 बैच था वहाँ वैकेंसी आई थी। अब तो एक बात और कहेंगे कि भैया डीएलएड का नाम ही जैसे लगता है ना कि ठीक से नहीं आया, क्योंकि जब तक इसका नाम बीटीसी हुआ करता था तब तक खूब वैकेंसी हम लोग को देखने को मिलती थी। जब से इसका नाम डीएलएड हुआ तब से आज तक, ठीक है, बीटीसी का नाम डीएलएड 2017 बैच से हुआ है, तब से आज तक आपने एक भी नई भर्ती उत्तर प्रदेश में प्राइमरी लेवल पर नहीं देखी है, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो के अंत में, आप लोग का पेपर होने वाला है अप्रैल लास्ट या मई में, तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो पेपर से लगभग मान के चलिए 2 वीक पहले, 2 हफ्ते पहले आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिया जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के कम 7 से 10 दिन बाद ही आपका पेपर होगा, ठीक है। तो रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। नए शिक्षक भर्ती नियमावली में काफ़ी बातें ये हो रही हैं कि पेपर में आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 68,500 शिक्षक भर्ती में हमने अति लघु उत्तरी प्रश्नों को भी देखा है, 69,000 भर्ती में हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखा, कैसी भर्ती हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंटरव्यू हो सकता है प्राइमरी लेवल पर ना रखा जाए 1 to 5 में, चलिए, ठीक है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, उससे बच के रहिएगा, आपको पेपर की तैयारी में लगे रहिए।
अब आप लोग के लिए मैथ की जो वीडियोस होंगी रेगुलर बेसिस पर, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आप मैथ में एक अच्छा स्कोर कर पाएं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।